राजे महाराजाओं के भी नहीं रहे, कोई किसी क्षेत्र को अपना गढ़ बोलता है तो गलत फहमी है। मैं तो ये मानता हूँ कि खरखोदा में हमारा कैंडिडेट 1000 वोट के अंदर अंदर रहेगी, थोड़ा सा लोगों को विश्वास और होता तो आज गढ़ टूटा ही होता। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन करने लग जाए वो खुद बड़े चिंता के दौर से दौड़ रही, और जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस का हाल हुआ है, मैं ये मानता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर जा रही है। अब तो देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि प्रगति की ओर चल रहा है। प्रदेश में हमने 2.5 साल में करके भी दिखाया है, कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी जो 2 बार हमारे को हिट कर कर गई, उसके बावजूद भी प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, कांग्रेस खात्मे की ओर उस समय आपको जाती है। पहले तो भाई सबसे खुशी की बात है कि खरखोदा में IMT बनने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा निवेश एक साथ आया है, और लगभग 2400 करोड़ से ऊपर की लागत से मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल ने 800 और 100 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की HSIDC से ली, और 2025 तक का टारगेट लिया है कि पहला व्हीकल अपने इन दोनों प्लांट के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे, और उसके साथ साथ लगभग 11,000 से 14,000 के बीच में नए रोजगार के संसाधन तो केवल मात्र मारुति और सुजुकी खरखोदा में लाने का काम करेगी, और जितनी एंसिलरीज इनके साथ लगेगी आप मान के चलो इससे 3 गुना ज्यादा रोजगार उन प्लांट्स में भी इस इलाके में आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मारुति जब गुड़गांव में आई थी तो गुड़गांव भी एक कस्बे जैसा था, और आज एक यहाँ मकान भी बढ़ेंगे, लोगों को और जीने के व्यवसायों के संसाधन भी यहाँ बनाने पड़ेंगे, और ओवरऑल डेवलपमेंट इस इलाके की जो पिछले कई दशकों से नहीं हो पाई अब आने वाले भविष्य में हम देखने का। हरियाणा में भी रोजगार बढ़ाने का बात आप कर रहे थे मन से, और 75% जो है खास तौर से बिल्कुल मान्य, हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है, बहस कंप्लीट होगी, जैसे ही फैसला आएगा 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स को हम पूरी तरह प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे, और साथ में मेरा ये मानना है कि जो 28,000 करोड़ का निवेश पिछले एक वित्त वर्ष में आया है वो हरियाणा को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो लाखों एम्प्लॉयज को अब नए तरीके से रोजगार के अवसर देने का काम करे। बिल्कुल कई लोग डाटा दिखाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बिल्कुल IT सेक्टर के अंदर जो पहले बिल्डिंगों में बैठ के काम होता था एक प्रथा बदली है कि वर्क फ्रॉम होम, उसके अंदर जरूर लोगों ने बिल्डिंगों में जो रेंटल IT सेंटर्स चलाते थे वो बंद कर अपने घरों से व्यवसाय चलाना शुरू किया है, और आज आप ये मान के चलना धीरे धीरे वो भी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, वापस बिल्डिंग्स के अंदर IT वाले लोग भी मूव कर रहे हैं, व्यवस्था मिलने जा रही है। आज तक फसल खराबे की रिपोर्ट करने का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तो प्रावधान था, पर बिना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसान के पास सरकार को रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था, पर हमारे पटवारी जब जनरल गिरदावरी के लिए जाया करते थे या स्पेशल गिरदावरी के लिए जाया करते थे, कई ऐसे इलाके थे जो अछूते रह जाते थे, और वहाँ किसान को समय अनुसार उसका मुआवजा नहीं था। अब हमने निर्णय लिया है कि हम पोर्टल बनाकर चाहे वो अगजनी हो चाहे वो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि हो, किसान की फसल का मुआवजा डायरेक्टली किसान की रिपोर्टिंग को वेरीफाई करा कर ये ताकत किसान को देने का काम करेंगे। किसान रिपोर्ट करे उसको हम वेरीफाई कराकर किसान के खाते में पैसा भिजवाने का काम करें, जैसे आज 2 साल हो गए सक्सेसफुली किसान की फसल का एक एक दाने का रुपया
हमने किसान के खाते में भिजवाया। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, राजे महाराजाओं के भी नहीं रहे। कोई किसी क्षेत्र को अपना गढ़ बोलता है तो गलत फहमी है। मैं तो ये मानता हूँ कि खरखोदा में हमारा कैंडिडेट 1000 वोट के अंदर अंदर रहेगी। थोड़ा सा लोगों को विश्वास और होता तो आज गढ़ टूटा ही होता था। और आने वाले भविष्य में भी मुझे पूर्ण विश्वास है खरखोदा की जनता वही प्यार और अच्छा जो न्याय जनता पार्टी। बूटा साहब का कहना है कि शिक्षण संस्था कल बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई कि वो लोन नहीं था, ग्रांटी रेट थे। और किसी के मिसकंसेप्शन हो तो उसको कल वाली इंफॉर्मेशन के बाद अपने बयान को भी करेक्ट कर लेना चाहिए। पंचायती चुनाव मेरा ये मानना है कि जुलाई के अंत तक, जैसा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन रोल रिवाइज हो जाएगा, 21 दिन का समय होता है, तो एंड ऑफ अगस्त या पहला आधा जो हमारा सितंबर का है उसके अंदर निकाय तो उससे पहले हो जाएंगे और पंचायत के चुनाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, निकाय चुनाव गठबंधन के तहत ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि किसी भी प्रकार की फाइल गठबंधन, चलो कौन क्या कहता है मैं इस पर क्यों टिप्पणी करूंगा। ठीक है, आज गठबंधन में हम पिछला निकाय और काउंसिल्स और कमेटियों के चुनाव लड़े थे, आगे भी दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय ले। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लगातार प्रदेश में गई भी, देश का दौरा कर रहे, अच्छी बात है। मुद्दे वो उठा रहे जहाँ चोरी हमने पकड़ रखी है। मैं तो ये चाहूंगा आज वो शराब नीति पे बात करते, पहले उनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसकी नीति तो पढ़ ले। आज के दिन हमने तो ठेके 100 कम किए, उनकी सरकार ने 400 ठेके दिल्ली में बढ़ाए। आज हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, कोई रेट कम नहीं किया, पर उनकी सरकार ने तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया। आज वो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले उनको अपना दामन देखना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर आरोप।